दोस्तों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की यमुना में आई बाढ़ को एक साजिश बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार को दिल्ली के बाढ़ के लिए जिम्मेदार बताया है। सांसद संजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें एक युवक हथनीकुंड बैराज पर वीडियो बनाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली में बाढ़ का पानी एक साजिश के तहत छोड़ा जा रहा है। साथ ही संजय सिंह ने लिखा कि दिल्ली की बाढ़ केंद्र सरकार की साजिश, जब दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है तो जानबूझकर दिल्ली में पानी छोड़कर दिल्ली को क्यों डुबा रही है बीजेपी। बीजेपी वालों शर्म करो, कितनी घटिया राजनीति करोगे। दोस्तों आप भी देखिए वायरल वीडियो और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज पर जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हथनीकुंड बैराज है, ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड कानपुर साइड एक नहर जाती है तो इसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको हम देखते हैं कि क्या इधर जो सहारनपुर की तरफ यूपी में जो नहर जाती है उसमें भी पानी है। यूपी को ये नहर जाती है साथ में जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। जब हमने लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अमूमन इस नहर में पानी चलता है पर पता नहीं दो तीन फ्लड की वजह से सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, कोई भी पानी यूपी की साइड नहीं छोड़ा गया। अब मैं आपको वो फ्लो दिखाता हूँ जो दिल्ली की साइड जा रहा है पानी सारा के सारा। मैं आपको फ्लो दिखा सकता हूँ, ये सारा यूपी की साइड ये है, ये सारी नहर सूखी है और साथ ही जो फ्लो है ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है।